जब एक लड़का 17-18 साल से बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके पीनस से कभी ना कभी प्रीकम जरूर निकलता है और वो इस चक्कर में पड़ जाता है कि ये क्या निकलने लग गया, ये क्या मुझे बीमारी हो गई। इसके बारे में वो गूगल पे सर्च करता है, अपने फ्रेंड सर्कल पे बात करता है, जितना जितना वो आगे आगे इसके बारे में का आंसर ढूंढना चाहता है, इसका रिप्लाई लेना चाहता है, वो उतना ही इस सस्पेंशन में पड़ जाता है कि ये हो क्या गया, मुझे कौन सी बीमारी लग गई, ये क्या हो गया। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो मेरे से पूछे जाते हैं वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि मैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो मेरे से आमतौर पे पूछे जाते हैं उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। साथ साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबा के ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करना है और साथ साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल को बताना है इस वीडियो के बारे में। हर एक 18 साल से ऊपर वाला लड़का जिनके मन में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं उन उसको प्रीकम के बारे में या चिपचिपा पानी के बारे में उसका रिप्लाई मिल सके, उनके मन को शांति मिल सके, दिमागों में जो पजल दस रहती है, जो टेंशन रहती है वो हमेशा के लिए दूर हो सके। आमतौर पे यंगस्टर लोग जो 18+ के लोग होते हैं वो चिपचिपा पानी और प्रीकम के बारे में ये तीन सवाल पूछते हैं। उन तीनों क्वेश्चन का मैं आज आपको इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीकम? प्रीकम एक अल्कलाइन क्लियर फ्लूइड होता है, ये हमारे पीनस की नली से निकलता है, पेशाब वाली नली से निकलता है। जब हम एक्साइट होते हैं या हम क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं उस टाइम पे ये निकलना शुरू हो जाता है। इसका काम ये होता है कि ये हमारे पीनस की नली, पेशाब निकलने वाली नली जिसको हम यूरिट्रा बोलते हैं, उसको स्टरलाइज कर सके, उसको अल्कलाइन कर सके ताकि आने वाले स्पर्म्स सरवाइव कर सके, आराम से फिसल के बाहर निकल सके, उनको निकलने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। दूसरा क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, प्रीकम कहाँ पे बनता है? इसका जवाब ये है कि हमारे पेल्विस के अंदर दो कॉर्पस ग्लैंड होते हैं मटर के दाने के समान और जिसका डायामीटर तकरीबन आधा इंच के बराबर होता है और ये दोनों के दोनों कॉर्पस ग्लैंड एक डक्ट, एक मास की नली के द्वारा हमारे यूरिट्रा से जुड़े होते हैं कि जब जो प्रीकम बनाना शुरू करते हैं तो एकदम से प्रीकम उस नलियों में से निकल के एक उन डक्ट्स में से निकल के हमारे यूरिट्रा में आ जाता है और वहां से वो बाहर निकलने लग जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा लोगों से पूछा जाता है, हाउ मच प्रीकम इज नॉर्मल? ज्यादा से ज्यादा कितना प्रीकम या चिपचिपा पानी को हम नॉर्मल कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो सकता है? ये क्वेश्चन आमतौर पे मेरे से पूछा जाता है। इसके बारे में मैं आज सभी भाइयों को, सभी मेरे फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये कितना बनता है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी का ये कम बनता है, किसी का ये ज्यादा बनता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका इतना कम बनता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये हमारा प्रीकम निकल रहा है या हमारा प्रीकम बन रहा है या हमारा चिपचिपा पानी बाहर निकल रहा है। वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारा प्रीकम बन ही नहीं रहा। उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीकम या चिपचिपा पानी बनता जरूर है मगर इतना कम होता है कि वो बाहर तक पहुंचता ही नहीं है, इसलिए वो ये बोलते हैं कि हमारा बनता नहीं है। मगर ऐसा कोई केस नहीं हो सकता यहाँ पे आप बोलो कि प्रीकम बनता ही नहीं है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ज्यादा से ज्यादा ये कितना नॉर्मल होता है? ज्यादा से ज्यादा इसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 4 ml तक हो सकता है। आपका चिपचिपा पानी आधा ml निकल सकता है, 1 ml भी हो सकता है, 2 ml भी हो सकता है, 3 ml भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 4 ml तक आपका प्रीकम बन जाता है जब आप एक्साइट होते हो। कई बार तो ये इतना ज्यादा बन जाता है कि आपका अंडरवियर गीला हो जाएगा और वो लोग जो कहते हैं कि ये प्रीकम हमारा कम हो जाना चाहिए, इसको बंद हो जाना चाहिए, ये हमें दिक्कत पैदा करता है या इससे हमें कमजोरी आती है, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती, ये सिर्फ आपके दिमाग का बहम है, ये आपके दिमाग का फोबिया है जिसको देख के आप घबरा जाते हो और आप बोलते हो हमें कमजोरी आ गई। मगर प्रीकम का या चिपचिपा पानी का कमजोरी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है।
और अगर आपको शाम तक आपका अंडरवियर गीला मिले ड्यू टू प्रीकम तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। आपको बस इतना ही करना है कि शाम को जब आपका अंडरवियर गीला हो जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने घर आके आपने पीरस के हेड को अच्छे से साफ करना है, ड्राई करना है और उसके बाद अंडरवियर चेंज कर लेना है, पर इतना ही काम करना है और आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी वीडियोस नेट के ऊपर पड़ी है कि इसका इलाज प्रीकम चिपचिपा पानी का इलाज, चिपचिपा पानी को 5 दिन में बंद कर दो, चिपचिपा पानी 1 हफ्ते में पूरे का पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप इन चक्रों में मत पड़ो, प्रीकम इज क्वाइट नॉर्मल। ये ज्यादा से ज्यादा 4 ml तक हो सकता है। ये एक भगवान का वरदान समझ के आप सोचिए कि आप सेक्सुअली स्ट्रांग है और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।